देखो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। इससे पहले सारे क्वेश्चन जो है वो साइंस एंड टेक वगैरह के। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स इज अंडर द यूनियन लिस्ट? देखो एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट है, ठीक है, फिशरीज भी स्टेट, मतलब पब्लिक हेल्थ स्टेट लिस्ट है, ठीक है, बचता है ये आपका यूनियन लिस्ट है। यूनियन लिस्ट एंट्री 55 यूनियन लिस्ट, ठीक है। इसमें देख सकते हैं आप लोग पब्लिक हेल्थ बहुत बार पढ़ा होगा अपने, पब्लिक हेल्थ स्टेट का ज्यूरिसडिक्शन है, फिशरीज एग्रीकल्चर स्टेट का ज्यूरिसडिक्शन है, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिड द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट राइट टू चूज लाइफ पार्टनर इज अ फंडामेंटल राइट? आपको जिससे शादी करना है आप शादी कर सकते हैं, इट इज योर डिस्क्रिशन हु यू वॉन्ट टू गेट मैरिड, देखो विशाखा वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान में प्रिवेंशन ऑफ सेक्शुअल हैरेसमेंट का केस है एट वर्क प्लेस, वुमेन हु आर गोइंग टू फॉर वर्क in order to protect them from sexual harassment at their workplace, the Vishakha guidelines have been given by the Supreme Court in 1997. And so, ye case aapka POSH, POSH, Prevention of Sexual Harassment. Navtej Singh Johar, aapka Section 377. Kya hai wo? Section 377. Homosexuality. LGBTQ+ का जो जजमेंट है वो नवतेज सिंह जौहर है। लिली थॉमस सेक्शन 8 सब क्लॉज 4 ऑफ RPA रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट उसको हटाता है, जिसमें क्या था कि इफ एनी पॉलिटिकल लीडर इज कॉन्विक्टेड for any charges of corruption or for any other matter for a period of 2 years or more, then he is disqualified. Section 8 sub clause 4 gave him the sort of leverage to file an appeal against the judgment. पर लिली थॉमस में ये साफ साफ कहा गया कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप, अगर आपको 2 साल से ज़्यादा के लिए दे दिया गया then यू विल बी डिस्क्वालीफाइड, और जस्ट बिकॉज आपने अपील कर दिया है दैट इज नॉट अ सफिशियंट ग्राउंड। लिली थॉमस बेसिकली एक तरीके से क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स पर जजमेंट है। बचता आपका शक्ति वाहिनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, इट इज इन दिस जजमेंट दैट दे हैव टॉक्ड दैट यू हैव द राइट टू चूज एनी पर्सन हु यू वॉन्ट टू गेट मैरिड टू। इंडिया इज एन इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स, है ना, सबको पता ही है। द पावर टू सीड इंडियन टेरिटरी टू अ फॉरेन कंट्री इज वेल विद इन द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट, नहीं है ना, बेरूबेरी केस के बाद ये साफ साफ है कि अगर इंडिया को अपना कोई एक पोर्शन किसी दूसरे कंट्री को सीड करना है देन इट हैज़ टू डू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, उसके बाद ही वो कर सकता है। पार्लियामेंट के राइट में ये चीज़ नहीं है, पार्लियामेंट अलोन कैन नॉट गिव द अथॉरिटी कि आप इंडिया के किसी हिस्सा को किसी और को दे दीजिए, बट इंडिया को अपने स्टेट्स को जैसे तोड़ना मरोड़ना है वो पार्लियामेंट अपना कर सकता है आर्टिकल 3 के अंतर्गत। तो इंडिया कैन डिस्ट्रॉय इट्स स्टेट बट इंडिया इन इटसेल्फ इज इनडिस्ट्रक्टेबल। द पार्लियामेंट कैन रीड्रॉ द पॉलिटिकल मैप, द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ एनी स्टेट इज नॉट गारंटी, ये भी सही है पर ये गलत है, ठीक है। आंसर इज 1 एंड 2।
Meran? Question number 15th. Which of the following amendments of the Indian Constitution empowers the President to send back any matter for reconsideration? 44th उसको ये राइट देता है. पब्लिक अकाउंट कमिटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बाद इसको बनाया गया. पब्लिक अकाउंट कमेटी 1921 में पहली बार आया. यूजली इसका चेयरपर्सन इज आफ्टर 60s, ये कन्वेंशन है कि एनीबडी ऑफ द अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी इज द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी. ठीक है, और पब्लिक अकाउंट कमेटी बेसिकली जो भी पुराना जो भी सरकार का खर्चा है उसके बेसिस पे अपना एक रिपोर्ट बनाता है जिसको कैग यूज़ करता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. द कमेटी वॉज फर्स्ट सेट अप अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट. द चेयरमैन ऑफ द कमेटी इज इलेक्टेड फ्रॉम अमंगस्ट इट्स मेंबर्स. दोनों स्टेट ये स्टेटमेंट देखते हैं. दे इलेक्टेड एवरी ईयर एंड द चेयरमैन ऑफ द कमेटी इज नॉट इलेक्टेड, यूजली इज द पर्सन फ्रॉम द अपोजिशन पार्टी. तो ये स्टेटमेंट गलत है. ठीक है, आप लोग समझ पा रहे हैं? ठीक है, द मेंबर्स ऑफ द कमेटी इज नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर. नहीं, दे आर इलेक्टेड, नॉमिनेट नहीं होता है इसमें. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है. इसका आंसर है वन ओनली. बात समझ में आई? पब्लिक अकाउंट कमेटी का मकसद यही होता है कि जो भी पब्लिक अकाउंट है, आपके कितने अकाउंट्स हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड पब्लिक अकाउंट भी है ना. इसका काम बेसिकली ये है कि जो भी सरकार का जो भी खर्चा पानी हो रहा होता है उसके बारे में रिपोर्ट बनाता है वो. और ये यूजली इसके जो भी मेंबर्स होते हैं वो इलेक्ट होते हैं. यूजली पार्लियामेंट्री कमेटी एक साल के लिए अपॉइंट की जाती है एंड इसको स्टैंडिंग कमेटी भी कहते हैं. लेकिन कुछ कुछ एडहॉक कमेटीज़ भी होती है जो कुछ खास काम करने के लिए बनाई जाती है और एक बार वो काम हो जाए उसके बाद वो डिसॉल्व हो जाती हैं. कुछ कुछ स्टैंडिंग कमेटी होती है जो हर साल बनाई जाती हैं और इनके मेंबर्स इलेक्ट होते हैं और इसका जो चेयरमैन है वो यूजली ऑपोजिशन पार्टी का कोई मेंबर रहता है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17. पॉलिटी के क्वेश्चन हैं, बन जाने चाहिए. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू द इंडियन फेडरल सिस्टम. हमें पता है कि द वर्ड फेडरेशन इज नॉट यूज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. देखिए मैं बीच से ही रीड कर रहा हूँ, ये आदत भी डाली है. कोई सिस्टम नहीं है कि इधर ही से रीड करना है. बीच में जो आपको लग रहा है एक एकिलीज हील जिसको कहते हैं, जो आपको वल्नरेबल स्टेटमेंट लग रहा है उस पर इज नॉट यूज. यूनियन ऑफ स्टेट यूज किया गया, इज नॉट यूज. इंडिया में कहीं भी वर्ड नेशन यूज़ नहीं किया गया, इंडिया में कहीं भी वर्ड कंट्री नहीं यूज़ किया गया, इंडिया के लिए वर्ड स्टेट यूज़ किया गया. ठीक है, फेडरेशन नहीं यूज़ किया गया, यूनियन ऑफ स्टेट्स यूज़ किया गया. ठीक है, सोशल कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री. सोशल कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री इज द की रीज़न इन अडॉप्टिंग द फेडरल. बिल्कुल सही है, एक स्ट्रॉन्ग सेंटर, और इसलिए इंडिया को क्वाजी फेडरल भी कहा जाता है ना. कैनेडियन मॉडल है बिल्कुल, बिकॉज अग्रीमेंट ऑफ द स्टेट्स नहीं था US की तरह. इंडिया में रियल फेडरलिज्म नहीं है. US में हर एक स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टेट सबके पास अपना फ्लैग है, इंडिया में नहीं है. ठीक है, तो समझ में आ गया, सारे स्टेटमेंट्स सही हैं आपके. 1, 2, 3. ठीक है, द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. ठीक है, ये DPSP वेलफेयर स्टेट. ठीक है, which of the following statement is not correct with reference to freedom of religion. Not correct. Article 25, Article 26, Article 27, Article 28. Freedom of religion के बारे में यही articles हैं. जब आप freedom of religion of one individual की बात करते हैं तो Article 25 है ना. जब आप फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल जिसको रिलीजियस डिनोमिनेशन कहते हैं
अगर एक व्यक्ति के मजहब के बारे में बात की जा रही है तो हिज फ्रीडम ऑफ रिलीजन, चार ऐसे लोग जो सिमिलर डॉक्ट्राइन पे यकीन रखते हैं और सिमिलर बिलीफ रखते हैं एक से, तो उसको रिलीजियस डिनोमिनेशन के बारे में बताया जाता है। ठीक उसी तरीके से कि सरकार जो है किसी से टैक्स नहीं वसूल सकती है कि किसी एक रिलीजियस एक्शन को प्रमोट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बात करता है आपका आर्टिकल 27। फिर रिलीजियस एजुकेशन स्कूल में कैसे होना चाहिए कैसे नहीं होना चाहिए उसके बारे में आर्टिकल 28 बात करता है। बात समझ में आई? अब मैं एक व्यक्ति हूँ, राइट टू ऑफ इंडिविजुअल ऑफ राइट टू रिलीजन की बात हो रही है, तो मेरे पास राइट टू कॉन्शियंस भी है। मैं किसी रिलीजन को फॉलो करूँ किसी को ना करूँ, ठीक है, मेरा मेरी मर्जी। मैं थीस्ट रहूँ, मैं एक भगवान को मानूँ, मैं अल्लाह को मानूँ, मैं जीसस क्राइस्ट को मानूँ, दैट इज़ माई पर्सनैलिटी। दैट फ्रीडम द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन मी अंडर आर्टिकल 25। बात समझ में आ रही है? ठीक उसी तरीके से सरकार आपसे टैक्स नहीं ले सकती है कि भैया टैक्स दो, क्यों? क्योंकि हमको मंदिर बनवाना है या मस्जिद बनवाना है, सरकार का काम नहीं है। इंडिया में जो सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट है वो वेस्ट की तरह नहीं है इंटायरिटी में कि आपका रिलीजन और जो स्टेट है वो एकदम डिवोर्स्ड है। वो हम लोग बाद में कभी पढ़ेंगे अगर पढ़ते हैं तो, ठीक है। अभी मैं आपको बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि अब इसको देखिए, नो पर्सन कैन बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्स फॉर द प्रमोशन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन, ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। द स्टेट में कलेक्ट फी, फी कलेक्ट कर सकता है, क्यों? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, कहीं आपको जो है मान लीजिए कि कोई इवेंट है, पुष्कर का मेला है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे साधु और जो भी ऋषि मुनि वो लोग आ रहे हैं अपना कुछ कुछ, वहाँ पे एक इवेंट हो रहा है, तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए तो सरकार को पैसा चाहिए हो सकता है ना, एडमिनिस्ट्रेशन को रन उसको मैनेज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। उस पैसा को टैक्स के तौर पे नहीं, फी के तौर पे लेना फ़र्क है। टैक्स जब भी सरकार लेगी तो कानून बना करके लेगी थ्रू अ लॉ, ठीक है, पॉइंट, यू गेटिंग द पॉइंट। और वो जो पैसा आएगा वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएगा, टैक्स का पैसा। फी के साथ ये सब इतना झंझट नहीं है, फी आपका पब्लिक अकाउंट में जाता है और सरकार उसका मकसद प्रमोट करने के लिए नहीं, एडमिनिस्टर करने के लिए करती है। गेटिंग द पॉइंट? मतलब अगर एक अगर मैं मेरा इंस्टीट्यूट है और मैं टीचर्स को यहाँ हायर कर रहा हूँ तो मैं जो उनकी सैलरी दे रहा हूँ वो जो उनका उनकी जो सैलरी है मैं उनको मैनेज करने के लिए दे रहा हूँ। गेटिंग द पॉइंट? ताकि वो रहें या कोई एक एडमिनिस्ट्रेशन हो। देयर इज अ डिफरेंस कि प्रमोट करना और एडमिनिस्टर करना। सरकार आपका फी ले सकती है फ्रॉम डिवोटीज फॉर द सेक्युलर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, पर ये भी कर सकती है, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एजुकेशन होली मेंटेन आउट ऑफ स्टेट फंड। स्टेट का कोई काम नहीं है रिलीजन को प्रमोट, डायरेक्ट प्रमोशन में कोई काम नहीं है उसका। तो ऐसा स्कूल, अगर मैं आपके लिए एक स्कूल खोला आपने जिसमें सरकार ने आपको पैसा दिया है कम्प्लीटली, वहाँ पर आप रिलीजियस प्रमोशन नहीं कर सकते। आर्टिकल 28, अरे आर्टिकल 28 ही है तो ये कट गया। द पार्लियामेंट कैन बाई लॉ डिक्लेयर अ पर्टिकुलर ग्रुप एज अ रिलीजियस डिनोमिनेशन। लॉ बना करके रिलीजियस डिनोमिनेशन कब से बना? सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दिया कि रिलीजियस डिनोमिनेशन जो है आर्टिकल 26 के अंतर्गत वो तब होगा जब तीन कंडीशन मिलेगा, सिमिलर पीपल हैविंग सिमिलर डॉक्ट्राइन, दे गिव इट अ डिस्टिंक्टिव नेम एंड दे चूज टू डू समथिंग। रिलीजियस डिनोमिनेशन के बारे में आप पढ़ेंगे आर्टिकल 26 में। तो ये पार्लियामेंट नहीं कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको इंटरप्रेट किया है। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। क्लियर है सबको? विच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ ज्यूरिसडिक्शन डील्स एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट टू डिसाइड डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू द इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट? देखो यार, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये दो चीज़ है ना, अगर इसका डिस्प्यूट है तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट, इसके अलावा जितना भी है ना हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहा है तो एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन हो जाएगा। गेटिंग द पॉइंट? एमएलए हो, एमपी हो, जो भी हो, पहले हाई कोर्ट जाएगा। तो आंसर इज एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन। 21, विथ रेफरेंस टू द ट्रांसफर ऑफ द जजेस
of High Court consider the following process? President transfer करता है, ठीक है? पर जब President transfer करता है, तो आपका Chief Justice of India से और से Collegium से discuss करता है, और अगर ये High Court का judge है, तो Chief Justice of High Court से भी discuss करता है. High Court का एक judge है, इसको transfer किया जा रहा है दूसरे High Court में. तो इस हाई कोर्ट का जो भी चीफ जस्टिस ऑफ दिस हाई कोर्ट है ना, चीफ जस्टिस ऑफ दिस हाई कोर्ट, इन दोनों से कंसल्ट करेगा. और सबसे पावरफुल तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, और ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपना कलीजियम होता है, ठीक है? सेकंड जजेस जजमेंट के बाद एक कलीजियम होता है. कितने लोग इन्वॉल्व है बताओ, एक ट्रांसफर करने के लिए इतने सारे लोग. यहाँ पे प्रेसिडेंट है, करेगा प्रेसिडेंट, इससे बात करेगा, ये इससे बात करेगा, सबको ओपिनियन मिल करके ये बोलेगा, इस प्रोसेस में इससे भी बात करेगा, इससे भी बात करेगा, तब जाकर ट्रांसफ़र होगा. गेटिंग द पॉइंट? तो वही है, द कॉन्स्टिट्यूशन इम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू ट्रांसफर जजेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर कोर्ट. व्हाइल डिसाइडिंग ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शुड कंसल्ट द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट फ्रॉम विच द जज इज बीइंग ट्रांसफर. ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है? पार्डनिंग पावर पे आ जाते हैं, कंसीडर द पार्डनिंग पावर्स, आर्टिकल 72. पार्डनिंग पावर किसी ऐसा व्यक्ति जिसको ऑलरेडी जजमेंट पास कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, सजाए मौत दे दिया है, मान लो टू बी हैंग टिल इज डाइड, टिल ही डाइज, ठीक है? उसके पास क्या ऑप्शन बचता है? जब उसने सारी चीज़ें कर ली, सारे उसके पास लीगल ऑप्शन एग्जॉस्ट हो गए, देन द ओनली ऑप्शन दैट ही हैज, ही डजंट हैव दैट एज एन ऑप्शन, उसका राइट नहीं है. वो नहीं बोले प्रेसिडेंट यार अब आप मेरे को जजमेंट दीजिए इसको, ऐसा नहीं बोल सकता, नॉट इज राइट. वो प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा कि उसको ये वाला पार्डनिंग पावर इन द आर्टिकल 72 यूज़ करना है कि नहीं करना है. और जो भी जजमेंट प्रेसिडेंट देगा डिस्क्रिशनरी नहीं होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो बोलेगा, कैबिनेट मिनिस्टर वो होगा. और जो भी ये जजमेंट देगा दैट इज़ ओपन टू जुडिशियल रिव्यू ऑल्सो, ठीक है? इपुरु सुधाकर का केस, इपुरु EPURU, इपुरु सुधाकर का केस, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि कोई आर्बिट्रेरी जजमेंट नहीं, ही मतलब उसमें उस वक्त के प्रेसिडेंट ने ये बोल दिया था कि ही शुड बी गिवन पार्डन बिकॉज ही इज अ गुड कांग्रेसमैन. ऐसे से केसेस हैं, बहुत मज़ेदार है, पॉलिटी पढ़ने में मज़ा आता है. तो ये क्या जजमेंट हो गया? तो फिर उस सुधाकर में ये बोला गया कि ऐसा ऐसा नहीं चलेगा जस्ट बिकॉज यू हैव गॉट द पार्डनिंग पावर. बेसिक आइडिया यही है कि एक स्कोप रखता है कि सुप्रीम कोर्ट का हो सकता है कि ह्यूमन एरर हो जाए, ठीक है? तो ये अब रीड करते हैं इस क्वेश्चन के बाद, आई विल टेक 5 मिनट्स का ब्रेक, ठीक है? तो इसका आंसर है C, 1 and 3. द पिटिशनर हैज़ द राइट टू एन ओरल हियरिंग, नहीं, गलत है. तो 2 कट गया, तो आंसर है 1 and 3, ठीक है? टेक 5 मिनट्स. क्वेश्चन नंबर 22, राइट? यहाँ पे आप किसी के पास राइट नहीं है, राइट टू ओरल हियरिंग नहीं है. द पार्डनिंग पावर इज टू बी एक्सरसाइज बाय द प्रेसिडेंट ऑनली, ये सही है. टू कीप द डोर ओपन फॉर करेक्टिंग, ये सही है, ठीक है? 1 and 3. क्वेश्चन नंबर 23 में देख लेते हैं, क्लोजर मोशन. पार्लियामेंट वाला चैप्टर अच्छे से कीजिएगा. क्लोजर मोशन भी 4 तरीके का होता है. पहला आपका सिंपल क्लोजर, दूसरा आपका क्लोजर बाय कंपार्टमेंट, थर्ड कैंगरू क्लोजर होता है, और चौथा आपका गिलोटिन क्लोजर होता है, ठीक है? 4 तरीके का क्लोजर होता है. सिंपल क्लोजर, तो सिंपल क्लोजर होता है जहाँ पे बेसिक बात ये होती है कि सफिशिएंट डिस्कशन हो गया है, अब सबको वोट पे डालो, ये सिंपल क्लोजर है, ठीक है? और आपका कैंगरू में बेसिकली क्या होता है कि जो भी सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्लॉजेज होते हैं ना, उनको पे डिबेट किया जाता है और उन पर वोटिंग होती है, जो भी इम्पॉर्टेंट क्लॉजेज होते हैं. और गिलिटीन में होता है कि आपका जो भी इम्पॉर्टेंट और जो भी बच गया है सब मिला जुला करके उनको आपको वोटिंग पे डाल देते हैं, चाहे वो डिस्कस हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो. तो
तो जैसे देखिए अ क्लोजर मोशन इज मूव्ड टू कट शॉर्ट द डिबेट ऑन अ मैटर, सही है. इन अ सिंपल क्लोजर बोथ डिस्कस्ड एंड अनडिस्कस्ड क्लॉजेज ऑफ अ बिल आर पुट टू वोट टूगेदर ड्यू टू द लैक ऑफ टाइम. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. इन अ सिंपल क्लोजर, सिंपल क्लोजर में बेसिकली ये होता है कि चाहे वो डिस्कस्ड हो चाहे ना हो, ऐसा लगता है कि सफिशियंट डिस्कशन हो गया है, ऐसा माना जाता है कि सफिशियंट डिस्कशन हैज टेकन प्लेस, नाउ इट्स टाइम टू कट इट डाउन एंड मूव. तो ये वाला जो डेफिनेशन है ना, बोथ डिस्कस्ड एंड अनडिस्कस्ड, ये आपका बोथ डिस्कस्ड एंड अनडिस्कस्ड आपका गिलिटीन का है डेफिनेशन. तो इस गिलिटीन वाले का डेफिनेशन ये है, ठीक है. इन गिलिटीन क्लोजर ओनली इंपॉर्टेंट क्लॉजेज आर टेकन अप फॉर डिबेट एंड वोटिंग एंड इंटरव्यूइंग आर स्किप्ड ओवर एंड टेकन एज पास्ड. ये चीज़ आपका कैंगरू है, ठीक है. डेफिनेशन ऑफ कैंगरू है ये वाला, पलट दिया गया है. बात समझ में आई? ये जो डेफिनेशन है गिलिटीन का वो ये है और इसका डेफिनेशन ये है. तो इसका आंसर है वन ओनली. अब हम लोग डायरेक्टली आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, क्योंकि बीच का सारा सब आपका एनवायरनमेंट का है. अभी ये 30th क्वेश्चन जो है न्यूज़ में था, क्योंकि इंडिया अभी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गया है, यूके को पीछे छोड़ दिया. तो इसका आंसर है इंडिया, ठीक है. ब्लूमबर्ग बिलियनेयर वाले में सावित्री जिंदल है इसका आंसर. सावित्री जिंदल सब करंट अफेयर्स है, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा इकोनॉमिक टच है तो मैं इसको डिस्कस कर ले रहा हूँ. विच इज़ द ओनली इंडियन बैंक टू बी लिस्टेड इन द फॉर्च्यून 500? ये आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जो कि 236th रैंक पर है. इस पूरे फॉर्च्यून 500 में 9 इंडियन कंपनीज है, जिसमें कि 5 स्टेट ओन्ड है और 4 प्राइवेट है, ठीक है. ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ है. रिलायंस इसमें, रिलायंस LIC है इसमें, रिलायंस है, और नंबर 1 में आता है वॉलमार्ट, ठीक है. 34th में आते हैं गुड्स एंड, हु इज़ द हेड ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल? इसका आंसर है फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है. UPSC में आया हुआ सवाल है, फाइनेंस मिनिस्टर. क्वेश्चन नंबर 45 में आते हैं डायरेक्ट, बीच के सारे एनवायरनमेंट के हैं, एग्रीकल्चर. विच व्हाट इज द रैंक ऑफ उड़ीसा फॉर द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब इन इंडिया? थर्ड है. पहला है MP, सेकंड है महाराष्ट्र, ठीक है. सेकंड है महाराष्ट्र. और उड़ीसा में 62 डिफरेंट ट्राइबल कम्युनिटीज़ है, 62 डिफरेंट, ठीक है. तो बस यही एक फैक्ट था जो आप बताना ज़रूरी था, अदरवाइज़. अब क्वेश्चन नंबर 57 पे आइए. बीच के सारे आपके साइंस एंड टेक के क्वेश्चन हैं. अभी हम लोग फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में हमने पढ़ा. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कैन बी रिस्ट्रिक्टेड सब्जेक्टेड टू पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी एंड हेल्थ. तो अभी मैंने कहा ना राइट टू फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, उसको पानी में मिला दे. राइट टू फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस मतलब मैं अपनी मन स्थिति मेरी क्या है. आई वॉन्ट टू फॉलो अ रिलीजन, आई डोंट वॉन्ट टू फॉलो अ रिलीजन, आई वॉन्ट टू बी एन अथीस्ट, आई वॉन्ट टू बी रिलीजियस, दैट इज एन एब्सोल्यूट राइट दैट आई एम हैविंग, जब तक वो मेरे अंदर है. बट द मोमेंट आई सॉर्ट ऑफ प्रोफेस और द मोमेंट आई सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिस, अगर मैं यहाँ पर नमाज पढ़ूँ या मैं पूजा पाठ करूँ, तो ये मेरे अंदर से निकल करके ये बाहर आ चुका है. इट माइट बी, इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट नाउ, इट कैन बी रिस्ट्रिक्टेड बेस्ड ऑन वेरियस ग्राउंड्स, ठीक है. तो दैट इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट पार्ट. तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन में भी फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस इज एब्सोल्यूट, बट वेन यू प्रैक्टिस देन इट इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट. यूज ऑफ लाउड स्पीकर हो गया या यूज ऑफ दोज थिंग्स, ठीक है. तो पहला स्टेटमेंट यही है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कैन बी रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है, ड्यू टू पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी एंड हेल्थ. पहला स्टेटमेंट सही है. दूसरा स्टेटमेंट, द पावर टू लेजिस्लेट ऑन एस्पेक्ट्स ऑफ पब्लिक ऑर्डर रेस्ट विद द सेंटर. पब्लिक ऑर्डर स्टेट लिस्ट में आता है तो ये कट जाएगा. तो ओनली वन. क्वेश्चन नंबर 70 में आइए. क्वेश्चन नंबर 70, हु वॉज द लास्ट टू रिप्रेजेंट मराठास इन उड़ीसा? द आंसर इज सदाशिव राव, ठीक है.
सदाशिव राव। अब उड़ीसा के कॉन्टेक्स्ट में मराठा को यूजुअली आपको उड़ीसा स्पेसिफिक में पढ़ना है, पर क्योंकि हिस्ट्री का एक सवाल लगा तो मैंने आपको बस उसका आंसर बता दिया, ठीक है। दिस इज उड़ीसा का हिस्ट्री दैट यू हैव टू स्टडी। एज सच मराठास के बारे में जब आप नेशनल लेवल पे पढ़ते हैं तो इतना डिटेल में आप नहीं पढ़ते हैं कि उड़ीसा में क्या था क्या नहीं। अब 77 में आइए, क्वेश्चन नंबर 77। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द पॉसिबल, थैंक यू, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ डिप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी। यूपीएससी ऐसा ही सवाल करता है, देखिए आपको समझना पड़ेगा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डीवैल्यूएशन एंड डिप्रिसिएशन, ठीक है। चाइना अपनी करेंसी को डीवैल्यू कर देता है, और डिप्रिसिएशन जो होता है वो मार्केट फोर्सेस से होता है, डिमांड एंड सप्लाई से, ठीक है। करेंसी जो इंडियन करेंसी गिर रही है या राइज करती है वो बिकॉज ऑफ द मार्केट में जो डिमांड एंड सप्लाई है उसके बेसिस पे होती है। देन द वर्ड दैट इज यूज्ड इज डिप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन। जब मनी का पैसा वैल्यू गिर रहा है दैट इज डिप्रिशिएटिंग। इसका मतलब क्या, पहले आप एक डॉलर का कीमत 80 रुपए था, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी 80 रुपए है वैसे, और अगर एक डॉलर की कीमत अगर 100 रुपए हो जाए तो इसका मतलब पैसा गिर गया ना, डीवैल्यू कर गया, इसी को कहते हैं डिप्रिशिएट करना। पर ये मार्केट फोर्सेस से होता है तो इसको डिप्रिसिएशन कहते हैं, अगर इसको स्टेट जानबूझ करके करे तो उसको डीवैल्यू कहते हैं। इससे क्या फायदा मिलेगा डीवैल्यू करने से, एक्सपोर्ट बढ़ता है। क्यों, अगर मान लीजिए कि चाइना अपनी करेंसी को डीवैल्यू करता है, क्यों, ताकि वो एक्सपोर्ट अपना बढ़ा सके। तो मान लीजिए ये चाइना है और ये यूएसए है, मान लीजिए एक डॉलर का दाम उसका 80 रुपये, इंडिया ही मान लीजिए ना, इंडिया ही रुपये, वहाँ पे जो भी खरीदेगा इसको डॉलर पे ही खरीदेगा ना, जब ये एक्सपोर्ट कर रहा है और ये इधर जा रहा है तो इसके लिए सस्ता हुआ कि चीज़ें इसके लिए खरीदनी सस्ती, सस्ता हुआ या महंगा, सस्ता हो गया ना, तो उसको तो आसानी से मिल रहा है। यानी ये अगर अपना वैल्यू कम करेगा तो ये एक्सपोर्ट कर रहा है, ये इम्पोर्ट कर रहा है, तो इसके लिए अच्छा हुआ, इसके लिए भी अच्छा है, इसका भी एक्सपोर्ट बढ़ गया। यानी जब भी कोई चीज़ डी वैल्यू करता है ना तो एक्सपोर्ट राइज करता है। पर अगर इस कंट्री में देखा जाए तो चीज़ें तो महंगी हो गई ना। आप पहले एक आलू खरीदते थे, मान लो एक डॉलर में आपको एक किलो आलू मिल जाता था, 80 रुपये में एक किलो आलू खरीद लेते थे, अब आपको 100 रुपये में एक आलू मिल रहा है इंडिया में, तो एक डॉलर आपका 80 रुपये, अब 100 रुपये हो गया ना उसकी वैल्यू, तो अब आपको 100 रुपये लग रहा है एक किलो आलू खरीदने में, तो इंडिया में तो महंगाई हुआ, वहाँ पे एक्सपोर्ट आसानी हो रहा है। बात समझ रहे हैं आप लोग। अब क्वेश्चन रीड करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ डिप्रिसिएशन। इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है, डिक्रीज इन इन्फ्लेशन होगा क्या, कट जाएगा, इंडिया में तो इंक्रीज इन इन्फ्लेशन हुआ है ना, तो तीसरा काट दो, पहला है, अच्छा ठीक है, टू एंड फोर, पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड, एक सेकंड के लिए रुक जाओ, अगर पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब क्या, बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब आप एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट जो भी कर रहे हो, राइज इन द कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट्स, क्या लगता है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड बढ़ रहा है यानी एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, इंपोर्ट घट रहा है, तो राइज इन द कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट हुआ, तो आंसर है 1 एंड 2। बात समझ में आई, डिप्रिसिएशन नहीं समझ में आया, देखिए इस चीज को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि दो एस्पेक्ट से देखिए, एक कंट्री और ये कंट्री किसी के साथ ट्रेड कर रहा है, मैं अगर अपनी करेंसी को डीवैल्यू कर रहा हूँ तो इसका इम्पैक्ट दो लेवल पे होगा, एक मेरी कंट्री में और जिसके साथ मैं ट्रेड कर रहा हूँ उसके साथ। मेरी अगर डीवैल्यू होगी तो मेरी जो करेंसी की वैल्यू है उधर उसके लिए सस्ता होगा, तो वो जब मेरे से सामान खरीद रहा है उस अपनी कंट्री में तो उसको सस्ता पड़ रहा है, तो वो मेरे कंट्री को प्रेफर करेगा, इसका मतलब मेरा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है ना, मेरा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, इन अदर वर्ड्स मेरा एक्सपोर्ट मेरे इम्पोर्ट से ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर मैं दाएं जा रहा हूँ तो इसका मतलब यही हुआ ना, मैं बाएं नहीं जा रहा हूँ,
अगर मैं सही हूँ तो इसका ये मतलब हुआ ना मैं गलत नहीं हूँ, बात समझ रही हूँ ना। तो जब मेरा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है तो मेरा इम्पोर्ट घट रहा होगा, अदरवाइज मेरा इम्पोर्ट बढ़ता। तो इम्पोर्ट क्यों घट रहा है? क्योंकि मेरा एक्सपोर्ट अगर सस्ता हो रहा है तो इसका मतलब मेरा इम्पोर्ट महंगा हो रहा है, वही तो सवाल है, बात समझ गए। अगेन फाइव ईयर वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइव ईयर प्लान रिकॉग्नाइज ह्यूमन डेवलपमेंट एज द कोर? इसका आंसर है 8th फाइव ईयर प्लान, ठीक है। अब ये सब फाइव ईयर प्लान को एक बार देख लीजिएगा क्यों है कैसे। 1992 से लेकर के 1997 तक थे, देखिए मार्केट खुला, लिबरलाइजेशन, LPG रिफॉर्म्स, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसी को तो LPG कहते हैं। तो इंडियन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ी, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ये जो भी आपके और भी एस्पेक्ट्स हैं, सबकी ज़रूरत पड़ी, तो ह्यूमन रिसोर्सेज बढ़ा 1992 से 1997, लॉजिक लगा के भी सॉल्व हो जाएगा। अ कंट्री सेड टू बी इन अ डेट ट्रैप, डेट ट्रैप कब होता है? जब आप उधार लेकर के अपना कर्ज चुकाएं, है ना, उसी को डेट ट्रैप कहते हैं। तो 79 का ए देख लीजिए, इट हैज़ टू बोरो टू मेक इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन आउटस्टैंडिंग लोन, दैट इज वॉट डेट ट्रैप इज, ठीक है ना। डेट ट्रैप का कॉन्सेप्ट, जब आप उधार ले करके कर्ज चुका रहे हो तो दैट इज डेट ट्रैप। अभी स्टार्टअप का कल्चर चला हुआ तो आपको सबको पता है वेंचर कैपिटल क्या होता है। स्टार्टअप जिनको पैसा चाहिए होता है वेंचर कैपिटलिस्ट से चाहिए होता है। लॉन्ग टर्म स्टार्टअप कैपिटल प्रोवाइडेड टू न्यू इंटरप्राइजेज, जो आपको एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, सीड कैपिटल हो गया या बाकी पैसा उठाने के लिए, मैं कंपनी स्टार्ट करना चाहता हूँ, मैं अपने आइडिया को पिच करता हूँ, किसी को मेरे आइडिया अच्छा लगता है तो वो मैं कहता हूँ वेंचर कैपिटलिस्ट है वो मेरा, है ना, मेरा वेंचर है स्टार्टअप, मेरा वेंचर है। कैपिटल मतलब उसके लिए जो पैसा चाहिए, जो कोई बिजनेसमैन मेरे को दे रहा है, इज़ अ वेंचर कैपिटलिस्ट। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल, अब देखिए बाकी प्रोवाइड टू इंडस्ट्रीज तो है नहीं, तो इंडस्ट्रीज एट टाइम ऑफ इनकरिंग लॉस, इसका मतलब क्या है? फंड प्रोवाइड फॉर रिप्लेसमेंट एंड रिनोवेशन ऑफ इंडस्ट्रीज का क्या मतलब? स्टार्टअप, ठीक है। UPSC में आया हुआ सवाल है 81, द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक आर सेलेक्टेड बाई बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो, ठीक है। जितने भी बड़े बड़े PSBs वगैरह के चेयरमैन, डायरेक्टर्स, CEOs, ये सब जहाँ पे भी अपॉइंट होते हैं ना, इनको अपॉइंट करता है बैंक जो है ब्यूरो, ठीक है, बैंक बोर्ड ब्यूरो। बिकॉज इतना सारा ना केसेस ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन और ये सब का आपका हो चुका है कि अब उसके लिए इसको ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 में आ जाते हैं, ऑल रिवेन्यूज रिसीव्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट बाय द वे ऑफ टैक्सेस एंड अदर रिसिप्ट फॉर द कंडक्ट ऑफ द गवर्नमेंट बिजनेस कहाँ जाएगा, है ना। जो भी टैक्स आ रहा है ये सब हो रहा है, सब कंसोलिडेटेड फंड में जाएगा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इंडिया इज रिगार्डेड एज अ कंट्री विद डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये वर्ड बहुत बार सुनते होंगे, डेमोग्राफिक डिविडेंड। काम करने वाले उम्र में जितना, मतलब जो एक ग्रुप है उसमें जितना ज़्यादा उसमें प्रोडक्टिविटी हो, जितना वो टैलेंटेड उसको जितना ट्रेनिंग हो, वही है। इट्स अ हाई पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 64, बिकॉज वर्किंग पॉपुलेशन इसी को डिफाइन किया गया है, ठीक है। नेशनल इनकम, इसका डेफिनेशन ही यही है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसका फॉर्मूला होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डिप्रिसिएशन। ये सब एकदम कोर इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है। जब भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो थोड़ा सा टाइम लेकर के अपने इकोनॉमिक्स के फैकल्टी को बोलेगा थोड़ा सा डिटेल, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा आधा घंटा 45 मिनट्स अच्छे से एक्सप्लेन करने में। मोटा मोटी अगर इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन माना जाए तो ये है, और इसी को हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं, ठीक है। 90% जो भी ये कॉन्सेप्ट हो तो मैं बता ही दे रहा हूँ, इवन इकोनॉमिक्स का भी डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है सारी चीज़ों को, ऐसा कुछ नहीं है। पर अब मैं नेशनल इनकम को अगर बैठ कर एक्सप्लेन करने जाऊँ कि आपका
ऑर्डिनरी रेसिडेंट किसको कहते हैं और क्या है ऐसा है वैसा है, तो बहुत टाइम लग जाएगा उसमें। वो इकोनॉमिक का बाकायदा 2-3 लेक्चर वाला कॉन्सेप्ट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, जैसे खाता नहीं रखते हैं कितना आया और कितना गया, वैसे इंडिया जब ट्रेड कर रहा होता है ना बाहर से, तो वो मेंटेन करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। और इंडिया के पास दो अकाउंट होता है, एक करंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब कोई दुबई में बैठा हुआ एक आदमी इंडियन अपना पैसा भेज रहा है, वो करंट अकाउंट में आएगा, जिसको रेमिटेंस भी कहते हैं। अब इंडिया, जो इंडिया ने किसी को लोन दिया है, इंडिया ने नेपाल को लोन दिया है 100 रुपये मान लो एट 10%, नेपाल को लोन दिया था, तो 10 रुपया ये इंटरेस्ट पे करेगा है ना हर साल। तो ये जो इंटरेस्ट नेपाल इंडिया को पे करेगा ना, वो करंट अकाउंट में आएगा। और जब ये प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न करेगा, ये कैपिटल अकाउंट में आएगा। बात समझ में आ रही है? ऐसे जितना भी पैसा का आवाजाही चल रहा है, कौन सा आ रहा है कौन जा रहा है, इन सब का, इंडिया जब गोल्ड इंपोर्ट करता है तो करंट अकाउंट में आता है, पेट्रोलियम इंपोर्ट करता है तो करंट अकाउंट में आता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी चल रहा है, ठीक है, कोई भी लैंड एसेट, ये सारी चीज़ें जो भी खरीदी जाती हैं वो कैपिटल अकाउंट में आता है। और इन सब के कॉम्बिनेशन से आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट बनता है। तो एक तरीके से देखो, द बैलेंस ऑफ पेमेंट या BOP किसको कहते हैं, इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ वन कंट्री टू अनदर। क्योंकि बाकी डेफिनेशंस को देख लेते हैं। गुड एक्सपोर्टेड, सिर्फ एक्सपोर्ट ही तो नहीं हो रहा, इम्पोर्ट भी हो रहा है ना, कट गया। ऑल इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम नॉर्मली एन ईयर। सिर्फ इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट तो नहीं हो रहा है, आपका रेमिटेंसेज भी आ रहा है, ठीक है, वो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट तो नहीं है, सर्विसेज भी तो है वो, ये कट गया। कैपिटल मूवमेंट्स ही तो सिर्फ नहीं है, करंट अकाउंट भी है। तो इन जनरल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बोल करके एक मोर फुलर डेफिनेशन देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर एज द फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? FDI पॉलिसी बनाता है क्या RBI? कॉमर्स मिनिस्ट्री बनाता है, ठीक है, DIPP, क्या है उसका फुल फॉर्म, DPIIT, यानी डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटर ट्रेड, ठीक है। तो ये कॉमर्स मिनिस्ट्री करता है, RBI नहीं करता, तो 3 हटा दो, 3 हट गया, आ गया आंसर 1 और 2, इश्यूअर ऑफ करेंसी एंड मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ये स्मॉल सेविंग वाला भी वो नहीं करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता है, मिनिस्ट्री ऑफ, यानी आपको बस ये पता होना चाहिए था कि ये FDI पॉलिसी नहीं बनाता, आपका आंसर आ गया। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्ट एंड कल्चर द टर्म देव यत्नम रिसेंटली सीन इन न्यूज, ये करंट अफेयर्स का है। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया था, तो अभी ये वाले वर्ड का इस्तेमाल किया गया था, इसको मिनिस्टर ऑफ कल्चर ने प्रमोट किया था आज़ादी ऑफ का अमृत महोत्सव में, उसमें टेंपल आर्किटेक्चर के बारे में ये बात करता है, टेंपल आर्किटेक्चर। द रिवर मोस्ट मेंशन इन अर्ली वैदिक पीरियड इज सिंधु, सबसे ज़्यादा बार वर्ड सिंधु रिवर के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो ये सब, इस सब में मैं क्या एक्सप्लेन करूँ, ये है, दीज आर हार्ड फैक्ट्स, ठीक है, दिस इज़ व्हाट इट इज़, या तो पता है तो होगा, वैसे बहुत डिफिकल्ट नहीं है, सिंधु हज़ार बार हम लोग सुनते हैं। विथ रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, लोटस सूत्रा, हार्ट सूत्रा एंड डायमंड सूत्रा, दे रिलेटेड टू बुद्धिज़्म। देखो ना, यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते, लोटस से आप ये अंदाज़ा लगा लो कि लोटस का इस्तेमाल आपका एक सिंबल सिंबॉलिक तौर पे किया भी जाता है, बुद्धिज्म से जुड़ी हुई एक है हार्ट सूत्रा। इसमें करंट अफेयर्स में रहा है या क्या रहा है, इसका आंसर बुद्धिज्म है, इसमें कुछ ज़्यादा आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सवाल यहाँ से आता है, विथ रेफरेंस टू द मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, मनसबदारी सिस्टम, जागीरदारी सिस्टम, इससे सवाल आता है। तो मनसबदारी सिस्टम, जैसे आज की डेट में जो ब्यूरोक्रेसी है ना, उसी को मनसबदारी सिस्टम मिडिवल पीरियड में माना जाता था। तो बेसिकली क्या होता था कि मनसब्स वो होते थे जिनकी जिम्मेदारी होती थी
कि कुछ आर्मी मेंटेन करके रखना और उनको उनको ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेचर उनको ये किया जाता है, एक वर्ड उनके लिए यूज किया जाता है ज़ात, जो ज़ात या कास्ट सिस्टम जो मुस्लिम्स में आप देखते हैं ना, ज़ात क्या है, जैसे कास्ट सिस्टम में क्या होता है तुम्हारी जाति क्या है, वैसे ज़ात, ज़ात मतलब स्टेटस और स्टेचर से बन गया है ज़ात, ठीक है। तो ये अकबर के टाइम में स्टार्ट हुआ था, जहाँ पे बेसिकली मंसबदारी सिस्टम वॉज ग्रेडिंग सिस्टम यूज बाय मुगल रूलर्स टू फिक्स द रैंक एंड सैलरी ऑफ द ऑफिसर्स। तो जो ऑफिसर्स होता था ना, जिसका जितना बड़ा ज़ात उसका उतना बड़ा स्टेचर, ठीक है। और वॉज हेरिडेट्री, इट वॉज नॉट हेरिडेट्री, ये हेरिडेट्री नहीं होता था, ये भी इंटरेस्टिंग। और औरंगजेब के टाइम में ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जब अकबर था तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम देर वेर 1800 मनसब्स, बट औरंगजेब के टाइम में ये 15,000 मनसब्स पहुँच गया था। इसके बारे में मिडिवल हिस्ट्री में आप लोग और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, औरंगजेब पुट एन एंड टू दिस सिस्टम ड्यूरिंग हिज रेन, नहीं। तो आंसर है वन ओनली, ठीक है, आंसर है वन ओनली। बैटल ऑफ पलासी आ गया फिर से, बैटल ऑफ प्लासी 1757 में आया, मैंने दीवानी राइट्स के बारे में बताया ना, और बिहार एंड बंगाल आफ्टर दिस बैटल, आफ्टर द डिसाइसिव बैटल ऑफ चिंसूरा वाज पार्ट ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी। ये जो बैटल ऑफ चिंसूरा है वो मीर जाफर ने लड़ा था, मीर जाफर डच के साथ जुड़ करके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट प्लॉय कर रहा था, तो ये बैटल ऑफ चिंसूरा हुआ जिसमें फाइनली वो हारा एंड डन एंड डस्टेड खत्म हुआ। डिसाइसिव बैटल ऑफ चिंसूरा वॉज अ पार्ट ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी, इट हैपेंड आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, बैटल ऑफ चिंसूरा हुआ है 1759 में, ठीक है। और पहला क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी रिसीव जमींदारी राइट्स ऑफ 24 परगनाज नियर कैलकटा आफ्टर द बैटल, ये सही है, जमींदारी राइट्स उसको मिल गया। ये आईसी सिक्योर दीवानी राइट्स ऑफ बिहार एंड बंगाल आफ्टर दिस बैटल, ये गलत है, ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद के बाद मिला है ना, बताया ना अभी 26 लाख रुपये में। मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम टू, इन तीनों ने मिल करके जो बैटल ऑफ बक्सर लड़ा 1764 में अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, दे लॉस्ट, आफ्टर विच ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद वॉज साइन इन 1765 फ्रॉम शाह आलम, और शाह आलम जो कि एम्परर ऑफ इंडिया था उस वक्त, उसने दीवानी राइट्स बिहार एंड बंगाल ब्रिटिशर्स को दिया। सो दैट हैपन इन 1765, नॉट आफ्टर 1757। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो वन ओनली, ठीक है। ये लॉर्ड मायो बड़ा इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड मायो से भी रिलेटेड सवाल आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ लॉर्ड मायो। देखो सबसे पहली बात तो ये समझो, लॉर्ड डलहौजी के टाइम में क्या क्या हुआ, लॉर्ड मायो के टाइम में क्या क्या हुआ, ये सब अच्छे से पढ़ लेना। लॉर्ड राइपन के टाइम पे क्या हुआ, ठीक है, लॉर्ड राइपन हो गया, ये सब जो जो गवर्नर जनरल का अपना अपना टाइम पे क्या क्या हुआ उसके बारे में अच्छे से आइडिया रखना, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो हमको ये पता है, पीडब्ल्यूडी और टेलीग्राफ डलहौजी के टाइम पे हुआ है। तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ सेपरेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इन एवरी प्रोविंस डलहौजी के टाइम पे हुआ है। सबसे पहले ट्रेन जो आया है, ट्रेन लाइन, वो डलहौजी के टाइम पे हुआ है। टेलीग्राफ जो बना है वो डलहौजी के टाइम पे हुआ है। तो चार हट गया, बच रहा है ये, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये इसी के टाइम पे हुआ है, मायो के टाइम। इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेट रेलवे, ये स्टेट रेलवे और इंडियन रेलवे एकदम अलग है, ये हुआ है मायो के टाइम पे। देखो मायो का सेक्शन दिया हुआ है, 5-6 चीज जो हुआ है वो देख लोगे, हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर मायो के टाइम पे हुआ है। तो 1, 2 and 3 आंसर। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन, जब इनिशियल सक्सेस मिला मुगल्स को 1857 में, तब उन्होंने आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन डिक्लेयर किया था। एंड इट इज सेड दैट इट वाज डन बाय द ग्रैंडसन ऑफ बहादुर शाह जफर, फिरोज शाह जफर, जिन्होंने आजमगढ़ में ये चीज़ दिखाया था कि हम लोगों ने ब्रिटिश को हरा दिया है, ये वो आजमगढ़। एनसीईआरटी में बाकायदा आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन का फोटो भी है, एनसीईआरटी खोल करके पढ़ोगे क्लास 10th 11th का 12th का, तो मिल जाएगा आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन। तो इसका आंसर है सिपोही मिटिनी 1857। सब एनसीईआरटी का सवाल है। इन इंडिया
अमंग द फॉलोइंग लोकेशन द डच एस्टैब्लिश द अर्लीस्ट फैक्ट्री इन पुलिकट 1610. ठीक है. 96. Which of the following demands were made by the government under the Gandhi's 11 demand in 1930? देखो 1930 में ना तो डोमिनियन स्टेटस के बारे में पूछा और ना तो पूर्ण स्वराज के बारे में पूछा है. ठीक है, ये बेसिक बेसिक बात किया है. और ना तो भगत सिंह जी के बारे में बात किया है इन्होंने. जनरल बात किया कि आर्मी का जो है इतना कॉस्ट बढ़ गया उसको कम करो, लैंड वैंड जो है उसको कम करो, रिड्यूस एंड रेवेन्यू बाय 50%, ये सब. तो ये डोमिनियन स्टेटस वाली जो बात हो रही है ना, ये नहीं हुई है. अबॉलिश सॉल्ट टैक्स एंड गवर्नमेंट, ये हुई है, ये हुई है. ठीक है, रिड्यूस रुपी, ये हुई है. डांडी मार्च सोचो ना यार, डांडी मार्च कब हुआ है? इसी के बाद तो थ्रेटन किया कि तुम मेरे 11 डिमांड्स को नहीं मानोगे तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट डांडी मार्च से स्टार्ट हुआ है, तो ऐसा तो नहीं है कि डांडी मार्च पहले हो गया है. तो पांच काट दो सबसे पहले. सबसे पहले तो पांच कटेगा, कॉमन सेंस लगाओगे तो डांडी मार्च बाद में हुआ है. पांच काट दो, तीन और चार होगा ही होगा. अब एक और दो बज गया तो देख लो, एक होगा. तो आंसर है ए, आंसर है ए. समझ में आया? चंपारण सत्याग्रह सबको मालूम है, तीन कठिया सिस्टम. गांधी जी जो गए थे, गांधी जी भी उसके कमीशन के मेंबर बन गए थे, है ना, ये सारी कहानी पता है. इट वॉज अ प्रेजेंट मूवमेंट अगेंस्ट इम्पोर्ट इंडिगो जो बनाने के लिए मजबूर किया गया था बाय द यूरोपियन प्लांटर्स. गवर्नमेंट अपॉइंटेड द चंपारण एग्रेरियन कमिटी टू लुक इन टू द मैटर विथ नो इंडियन. ये गलत है, गांधी जी थे. द कमिटी रिकमेंडेड द एबॉलिशन ऑफ तीन कटिया सिस्टम. एंड ये तो वन एंड थ्री. ठीक है, सी. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल रिलीजियस मूवमेंट इन इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग. ये जो धर्म सभा जो था ना, राजा राधाकांत देव के द्वारा स्टार्ट किया गया था अगेंस्ट राजा राममोहन रॉय. राजा राममोहन रॉय का जो ब्राह्मो समाज था ना, दैट वॉज टॉकिंग अबाउट रिफॉर्मिंग द हिंदू रिलीजन. ये लोग थोड़ा सा वो थे, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलीजन को लेकर बहुत स्ट्रेंग. उनका कहना था कि राजा राममोहन रॉय बर्बाद कर रहा है हिंदू रिलीजन को, तो इन्होंने धर्म सभा स्टार्ट किया था. तो धर्म सभा वो स्टार्ट पर राजा राधाकांत देव, तो केशव चंद्र सेन नहीं होगा, ये गलत है. ठीक है, देव समाज वो स्टार्टेड बाय अग्निहोत्री, शिव नारायण अग्निहोत्री. ठीक है, अनवेद समाज वॉज नॉट स्टार्टेड बाय दिस. तो इसका आंसर होगा कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. तो इसका आंसर क्या है? टू ओनली, दोनों गलत है. वेद समाज आपका केसी से पलट दिया गया, धर्म सभा ये है और ये इधर है, ये सही है. ठीक है, ये दोनों गलत है. तो आंसर इसका क्या है? टू ओनली. ये सोशल रिलीजियस वाला चैप्टर जो है ना, उसको अच्छे से देख लेना, बहुत सारे अभी पूरा उसी में सब चीज़ें. और लास्ट है द ड्यूरन कमीशन. जानते हो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो लाइन ड्रॉ किया गया है वो ड्यूरन लाइन कहा जाता है उसको. ठीक है, तो ड्यूरन कमीशन जो है 1893 में था. इसका आंसर है सी, डिमार्केट द बॉर्डर ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन द नॉर्थ वेस्ट रीजन अफगानिस्तान के साथ. ठीक है, डन. देखिए आई वुड जस्ट रिकमेंड एवरीबडी टू फोकस ऑन थीम, फोकस ऑन अप्रोच, फोकस ऑन रिविजन, फोकस ऑन रिस्ट्रिक्टिंग योर सोर्स. ठीक है, यू ईच वन ऑफ यू इज केपेबल टू क्लियर द एग्जाम. डोंट गो आफ्टर एवरी क्वेश्चन, डोंट रश आफ्टर एवरी क्वेश्चन दैट यू फाइंड. Try to understand what UPSC is thinking, what your state service is thinking. Uske previous questions mein pata chal jata hai. Theek hai? Thank you.